सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा, पूरा देश शहीदों की कुर्बानी नूं कर रहा सिजदा। राजगुरु ते सुखदेव ने भी चुमिया सी फांसी का फंदा। हुसैनीवाला च सीएम भगवंत मान ने शहीदां नूं भेंट की श्रद्धांजलि। खटखड़ कलां च मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत होरना राजसी आगुआं ने शहीदां नूं कीता नमन। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का अज शहीदी दिहाड़ा है, जिन्हां दे नाल राजगुरु ते सुखदेव ने भी फांसी नूं सिर मत्थे स्वीकार किया। इन्हां सूरबीरां वल्लों देश दी आन ते शान लई आजादी खातर दित्ती गई कुरबानी नूं सारा देश याद कर रहा है ते इन्हां दी शहीदी नूं सिजदा करदा है। इन्हां महान शहीदां दी शहादत सदका ही अज असीं आजादी दा निग मान रहे हां ते आजादी दे नाल अपना जीवन बसर कर रहे हां। शहीद भगत सिंह भारत दे प्रमुख आजादी घुलाटिए सन। जदों सरदार भगत सिंह वर्गे पुत पैदा हुंदे ने तां उह अपने परिवार दे नाल नाल कौम ते देश दा नां इतिहास दे पन्नियां ते सुनहरी अक्खरां विच लिख जांदे ने। भगत सिंह जिथे एक सिरकड़ क्रांतिकारी सी उथे उगे विद्वान सन। फांसी समय भगत सिंह की उम्र महज 23 साल की सी। लोगों के कट तो डरदियां जेल की पिछली दीवार तोड़ के भगत सिंह ते उसके साथियों दी लाशां हुसैनीवाला सतलुज दरिया के कंढे ते जला दित्तियां गईयां सन। देश की आजादी लई हस के फांसी के रस्से नूं चुम्मण वाले 23 मार्च के शहीदां नूं पूरे देश में श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने हुसैनीवाला च भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव नूं श्रद्धांजलि दे के सलाम किया। दस्सिए कि मुख्यमंत्री बनने तो बाद भगवंत मान पहली बार फिरोजपुर पहुंचे। भगवंत मान ने शहीदां नूं नमन करदिया कहा कि देश के नौजवानों नूं शहीदां दे दर्शाए मार्ग से चलना चाहिए ता जो शहीदां ने जो सुपने देखे उन्हां नूं पूरा किया जा सके। इस तों बाद मुख्यमंत्री वल्लों खटखड़ कलां विखे पहुंच के शहीद आजम भगत सिंह जी नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते गए। सीएम मान दे वल्लों भ्रिष्टाचार नूं खत्म करन लई नाल ही जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाण दी गल भी कही। अज के दिन मेरे ख्याल सब तो वड्डी श्रद्धांजलि शहीद आजम भगत सिंह होर हज़ारा शहीदों के लिए यही है कि उन्होंने थोड़ा जहा सुकून मिले कि हाँ उन्होंने घर घर आज़ादी बचाने की जी मुहिम है वो थोड़ा बहुत कदम चुकया गया है। तो बड़ी जल्दी तो उस नंबर की डिटेल वगैरह सारी मिल जूगी। तो मैं इस तो बाद खटखड़ कला जाना है। तो बहुत बहुत थोड़ा भी धन्यवाद है कि तुम इतने इंतजार किया धुप के। हुसैनीवाला बार्डर ते पहुंचन तो पहला मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने घर के बाहर लोगों नाल मुलाकात की, जिस दौरान लोगों वालों अपनी मंगा नूं मान साहब के सामने रखा गया। जिस दौरान लोगों ने अपनी मंगा मंग पत्र के राही मुख्यमंत्री के सामने रखिया। मेरा नाम बिक्रम सिंह है। मैं 1152 पटवारी जिहड़े सिलेक्ट होए ने पिछले साल 2021 सिलेक्ट हाँ। साडा सारा काम होया पिया, भर्ती का सिरे चढ़िया पिया, सिर्फ ज्वाइनिंग लैटर बचे ने। असी PSFB बोर्ड को जाने वो कहिंदे ने कि सरकार तो सानू आर्डर दवा दो, असी काम कर देंगे। तो अज असी भगवंत मान साहब नूं मिले, उन्होंने भी सानू यकीन दवाया, पर सानू फिर भी दिल दे विच डाउट पैंदा रहिंदा है कि जो तक सानू ज्वाइनिंग लैटर मिलते नहीं है उदों तक साडे दिल दे विच इही डाउट रहिंदा है कि पता नहीं कम होगा जां नहीं होगा। सरकार नूं 10 दिन होए ने डाउट कर रखदे ने? नहीं सर, 10 दिन तो होए ने, जिहड़ी नवीं 25,000 भर्ती इहनां ने कढ़ियां ने उहदे करके नौजवानां दे दिल दे विच डर पैदा हो गया कि नवीं कढ़नगे पुराणियां नूं कंप्लीट करनगे जां नहीं करनगे। इस नाल ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाल ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर वालों शहीद आजम भगत सिंह के जद्दी पिंड खटखड़ कलां विखे पहुंच के शहीद भगत सिंह नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि सानू सब नूं शहीदां दीआं कुर्बानियां तो सेध लैनी चाहीदी है, जिन्हां की बदौलत असीं आजादी का निग मान रहे हां।
मैं पंजाब की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए जो शहीद होते हैं वो सदा के लिए जीवित रहते हैं। 23 साल की उम्र में शहीद हो गए हमारे सरदार भगत सिंह जी, वो आज भी 23 साल के हैं, तो सारी रहती दुनिया तक 23 साल के रहेंगे, लोग नमन करते रहेंगे। इसलिए सच पे चलना चाहिए, सच की हमेशा जीत होती है। भगत सिंह ने देश के लिए जान मारी, तो आज जो हम आजादी का निक मान रहे हैं वो इन शहीदों की बदौलत ही मान रहे हैं। आज मैं शहीदों की धरती से नमन करके जा रहा हूँ और जे भगत सिंह का आशीर्वाद लेके अपने आप को इतना बल देना चाहता हूँ कि मैं कहीं पे डोलू ना, कहीं पे डरू ना इन लोगों से। जहां जहां पे इन्होंने गलत किया, हमारे पंजाब के साथ धोखा किया, इन धोखेबाजों को पंजाब के लोगों ने भी चलता किया। इनके जो दो नंबर के कारोबार है उनको बंद करने के लिए, उनकी बसें बंद करने के लिए। इस तो इलावा साबका मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा वालों भी खटखड़ कलां पहुंच के शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव नूं शरदा दे फुल भेंट किए गए, जिन्हां देशवासियों नूं शहीदां दी कुर्बानी तो सेध लैण दी प्रेरणा दित्ती। जाए कि आज हमारा देश आजाद है और इस वास्ते जो शहीद देश गए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज को उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जो समाज या देश अपने शहीदों की नहीं वो करता तो वो आगे प्रगति नहीं कर सकता। और इस परिवार से व्यक्तिगत मेरे परिवार का बहुत था, तीन परिवार जो है, शहीद भगत सिंह का परिवार और लाला लाजपत राय और हमारा परिवार, मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध था। शहीद आजम सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित समाज सेवी संस्था वल्लों स्कूली विद्यार्थियों दे नाल तिरंगा यात्रा बटाला दे वख-वख बाजारां विचों कढ़ी गई। इस तिरंगा यात्रा नूं स्कूली विद्यार्थियों दे नाल कढ़न दा मकसद यह सी कि स्कूली विद्यार्थी अपने शहीदां नूं याद करन ते नौजवानां विच देश भगती दा जज्बा पैदा होवे। तेई मार्च 1931 शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव दी शहादत नूं समर्पित एक मॉडल अमृतसर दे मशहूर पेपर आर्टिस्ट गुरप्रीत सिंह वल्लों पंजाब दे नक्शे ते बनाए इन्हां शहीदां नूं सच्ची श्रद्धांजलि देण दा इक उपराला कीता गया। इस संबंधी जानकारी दिंदे आ मशहूर पेपर आर्टिस्ट गुरप्रीत सिंह ने दस्सिया कि क्योंकि पंजाब विच नवीं ते अजिही सरकार बनी है जिस वल्लों शहीद आजम भगत सिंह दे पूर्णियां ते चलण दी गल कीती जा रही है ते शहीद भगत सिंह दी तस्वीर हर महकमे च लगाउण दी सिफारिश भी कीती जा रही है। जदौर उन्हां शहीदां दी शहादत नूं याद करन दा जिन्हां इस शहादत नाल सानू आजादी दिती है ते इस शहादत नूं समर्पित एक मॉडल बना उन्हां शहीदां नूं याद कर श्रद्धांजलि देण दी कोशिश कीती गई है तां जो आने वाली पीढ़ी इन्हां शहीदां दे इतिहास नाल जाणू हो सके। ये जो मैं मॉडल तैयार किया है ये शहीद भगत सिंह जी सुखदेव ते राजगुरु उन्हां दीआं महान शहादतां नूं समर्पित बनाया है कि किस तरह उन्हां ने 23 मार्च 1931 वाले दिन हुसैनीवाला जो कि पंजाब दे विच फिरोजपुर जिले दे विच एक एरिया पैंदा है उस जगह ते उन्होंने शहादतां पा लिया सी, किस तरह उन्होंने फांसी दे फंदे चुम्मे सीगे वो दृश्य दिखाउण दी मैं कोशिश कीती है पंजाब दे नक्शे दे उपर, जिथे इस मॉडल दे राहीं मैं महान शहादतां नूं श्रद्धांजलि दिंदा हाँ। उहदे नाल ही जो मौजूदा नवीं सरकार चुनी गई है उहदे वल्लों एक 23 मार्च नूं जो एक नवीं मुहिम छेड़ी जा रही है जो कि करप्शन फ्री पंजाब, एंटी करप्शन जो नवीं उन्होंने एक मुहिम लैके आ रहे हैं पंजाब दे विच, ते पंजाब दे लोकां नूं आवाम नूं बहुत आसान है क्योंकि बहुमत दे नाल इस पार्टी नूं जिताया गया है। गुरदासपुर के बाटा चौंक नेड़े एक कार नाल मामूली जिहा ई रिक्शा टकराउण नाल दो कार सवारां ने रिक्शा चालक दे नाल मार कुटाई करके उसनूं जख्मी कर दिता जिसनूं इलाज लई सिविल हस्पताल विखे पहुंचाया गया। पुलिस वल्लों इस मामले की जांच की जा रही है। दूजे पासे पुलिस ने यह भी कहना है कि पीड़ित दे बयान दर्ज करन तों बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा हलका बटाले तो भाजपा नेता फतेह जंग बाजवा ने आप पार्टी से निशाना साधदिया कहा कि आप पार्टी की सरकार पंजाब विचों नहीं सगो दिल्ली तो चल रही है। जो राज्यसभा मैंबर बनाए गए ने उन्होंने पंजाब के किसी मसले की कोई जानकारी नहीं है। पंजाब दे लोगां ने आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत उत्साह दे नाल चुनी, जिथे उन्होंने ये सोचा भी पंजाब दे मसले जिहड़े ने हल होया करनगे और साडी लोगां दी आवाज़ जिहड़ी है वह बुलंद होएगी। पहली गल तो जिहड़े अपने पोर्टफोलियोज़ ने, ये पोर्टफोलियोज़ नॉर्मली हमेशा जदों कैबिनेट बनती है उहदे 2-3 घंटिया तक पोर्टफोलियोज़ अलॉट हो जाते हैं। 4-5 दिन लग गए पोर्टफोलियोज अलॉट करने लई, इहदा कारण की सी? दिल्ली तो सारी चीज बन के अरविंद केजरीवाल जी दे दफ्तर दे विचों 5 जिहड़े इन्हां ने हुण मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े राज्यसभा दे विच चुन के भेज रहे ने। मैं गल पुछना चाहना भी मिस्टर पाठक दा जिहड़े अपने मिस्टर चड्ढा ने इन्हां दे जिहड़े को इंचार्ज सी पंजाब दे राघव चड्ढा, उन्हां दा पंजाब दे नाल की इंटरस्ट है? पंजाब अज राज्यसभा दे विच पंजाबी च गल करन उन्हां नूं औखी होनी है। गुरदासपुर की रहने वाली तानिया नाम की लड़की के नाल उसके पति वालों लड़की के पेके घर विच जाके कुटमार की गई। कुटमार की वीडियो भी सामने आई। लड़की तानिया ने दसिया कि उसका विआह 2019 विच मलकीत अक्षित दे नाल होया सी ते अज विआह नूं 3 साल हो गए ने। पीड़िता ने अपने पति से कुटमार करन दे दोष लगाए, इस दे नाल ही उसकी बच्ची नूं भी उसके सहुरियां ने अपने कोल रखिया, यह गल पीड़िता ने कही है। पीड़िता का यह भी कहना है कि जेकर आने वाले समय में उसकी लड़की के नाल कोई अनहोनी हुंदी है तो उसका जिम्मेवार उसका सहुरा परिवार से उसका पति होगा। जो कि लड़की के सहुरे बाद ने लगाई दोषां दा खंडन किया। उधर पुलिस दा कहना है कि उन्हां वल्लों पीड़िता दे बयानां दे आधार ते मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस वालों महिला थाने अंदर लोक अदालत लगाई गई, जिस बारे वधेरे जानकारी दिंदे एसएचओ प्रवीण कुमारी ने दसिया कि लोक अदालत विच लगभग 300 दे करीब मामलों का हुण तक निपटारा किया गया ते लोकां नूं इंसाफ दवाया गया। उन्हां कहा कि लोक अदालत एक होर हफ्ता रहने वाली है ते इस विच 1500 दे लगभग लोकां नूं इंसाफ दवाया जाएगा। पटियाला दी रेलवे स्टेशन दी एक वीडियो काफी वायरल ते चर्चा विच है, जिसका मुख कारण है वीडियो विच एक लड़का जो गड्डी हम सफर जम्मू तो नंदेड़ जांदी है उस विच उस चढ़न दी कोशिश कर रहा सी जदों ओह पटियाला तो अगे चली, लेकिन चढ़न वेले उकत लड़के दा पैर फिसल गया ते ओह गड्डी दे गेट नाल लटकदा घसीटदा चला गया, जिस तों बाद एक RPF दे हैड कांस्टेबल ने उकत व्यक्ति नूं बचा लिया। हुण इह वीडियो काफी वायरल हो रही है। इस संबंधी RPF दे अधिकारी ने गलबात करदिया कहा कि उन्होंने मुलाजम ने इस व्यक्ति नूं बचा लिया जो फौज विच काम करदा सी, जिस कोल टिकट नहीं सी ते ओह चढ़न दी कोशिश कर रहा सी। देश विदेश विच प्रसिद्धि हासिल ते मनुखता दी भलाई दे केंद्र वजो जाणिया जांदा मालवे दा प्रसिद्ध धार्मिक स्थान गुरद्वारा शहीद बाबा तेगा सिंह तपस्थान सचखंड वासी संत बाबा नछत्र सिंह जी चंद पुराणा विखे, इस स्थान दे मुख सेवादार संत बाबा गुरदीप सिंह जी वल्लों शहीद बाबा तेगा सिंह जी दी याद विच ते सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा नछत्र सिंह जी दी सालाना बरसी नूं समर्पित शहीदी जोड़ मेला करवाया गया। इस जोड़ मेले विच देशां विदेशां जिथे पंजाब दे कोने कोने तों सिख संगतां इस स्थान ते नतमस्तक होईयां, उत्थे राजस्थान तो भी वड्डी गिनती विच संगतां इस स्थान ते गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करन लई पहुंचियां। इस मौके ते पंजाब दे कोने कोने तो पुजे संतां महापुरशां तो इलावा दरबार साहिब अमृतसर तो पुजे रागी जथियां वल्लों भी कथा कीर्तन राहीं संगतां नूं गुरबाणी दे नाल जोड़िया गया। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ। धन्नवाद।